हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो दिन के जो है 2:30 बज रहे हैं, लंच हमारा हो चुका है और मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं क्लास में जा रही थी। जैसे ही मैंने बालकनी का गेट खोला तो बाहर देखा वेदर एकदम ऑसम हो रहा है यार, शायद बारिश हो जाए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरीके से काले काले जो है बादल छाए हुए हैं पूरे में। सामने देख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस डे पे झंडा भी लगाया था इस घर में जो रहते हैं। कैप्चर नहीं हो रहा है किस तरीके से लहरा रहा है हमारा तिरंगा झंडा। और वेदर ऑसम है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, क्या होगा। आज दो तीन दिन से गर्मी के बाद जब ऐसा मौसम हो जाता है, दिल खुश सा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है अभी, और देखो पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, देखते हैं क्या होता है। बादल तो पूरा काला हुआ पड़ा है पर हवा भी चल रही है, पता नहीं अपने साथ बादलों को उड़ा के ले ना जाए हवा। और बाकी अभी मेरा है क्लास टाइम, मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने और आगे फिर मैं मिलती हूँ। आज थोड़ी मैंने थोड़ी शॉपिंग जो मेरी लड्डू गोपाल की है जन्माष्टमी की जो है वो हो चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है मुझे। और आज लंच में मैंने बनाया था चावल और तोरी की सब्जी। कभी किसी ने खाया है चावल के साथ तोरी की सब्जी? बहुत टेस्टी होता है, अगर नहीं खाया तो ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे को पर्सनली बहुत टेस्टी लगता है, बाकी आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। मैं सोचती थी एक बार आपसे शेयर करूँ उसकी वो चीज़, बट फिर फटाफट बना के जल्दी जल्दी खाना था क्योंकि हस्बैंड की क्लास थी, वो चले गए हैं पढ़ाने के लिए और अब मुझे जाना है, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। बाकी आगे की जो आपके जो लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं आके आपको दिखाती हूँ। अभी फिलहाल जाके अपनी क्लास ले लूँ, वो मस्ट है, पहले वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं जाके बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। तो आप लोगों से मैं कह रही थी पता नहीं बादल उड़ा के ले जाएगा क्या होगा, पर बारिश जो है आ गई है। दिखाऊं तो आपको, ये मोटी मोटी बूंद है जो गिरना शुरू हो गई है, बादल काला है ऊपर पूरा। सामने भी झंडा है, देखो तिरंगा झंडा सामने भी है। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने वो उधर भी एक किसी ने लगा रखा है, अब ये देखिए। तो इंडिपेंडेंस डे में काफी सारे लोगों ने अपने छतों पे जो है झंडे लगाए हैं। और ये हमारे प्लांट्स, जिसमें से मेरी मीठी नीम का यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कड़े पत्ते का प्लांट जो है वो सूख चुका है, बाकी प्लांट्स का ये हाल है देखिए। तेज हो गई है बारिश, तेज हो रही है धीरे धीरे। मेरा मन तो कर रहा है आज बारिश में नहा लूं गर्मी को देखते हुए। देखो कितनी देर पड़ती है, चल तू यार, मेरी क्लास का टाइम है, सिर्फ बारिश देखने के लिए मैं छत पे आ गई आप लोगों को बारिश दिखाने के लिए। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ। तो इतनी तेज जो है बारिश अब होने लग गई है। तो गाइस, मेरी जो है क्लास खत्म हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ इवनिंग में। और मैंने जाने से पहले आपको बोला था बारिश हुई, थोड़ी देर हुई फिर मौसम खुल गया, कि मैं लड्डू गोपाल के लिए जो शॉपिंग करके आई हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं, क्योंकि मेरे पास उनका सारा सामान ऑलमोस्ट है ही, तो जो थोड़ी सी चीज़ें, दो चीज़ें जो मुझे नीड लग रही थी कि मेरे पास नहीं है, मैं वो लेके आई। एक तो मैं लेके आई उनके लिए छोटा सा एक ग्लास, छोटी कटोरियाँ हैं मेरे पास, ग्लास है, प्लेट भी थी छोटी, पर प्लेट ऑलरेडी मेरे पास इतनी हैं तो फिर मैं नहीं लेके आई, उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो एक ये छोटा सा ग्लास, दो ये छोटी छोटी चम्मच, क्योंकि उन कटोरियों के अकॉर्डिंग जो हमारी घर की चम्मचें होती थी वो बड़ी हो जाती थी। तो दो ये चम्मच, तो ये तो दो ये मतलब बर्तन आए हैं लड्डू गोपाल के लिए। उसके बाद आई है उनकी एक ये ड्रेस, ये जयपुरी प्रिंट में है सारा, और यहाँ से ये वेलवेट लगा हुआ है, ये जो है पूरा वेलवेट लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि ये ड्रेस थी। और सेकंड वन वो भी दोबारा से है तो जयपुरी प्रिंट में ही, बट इसमें ये वेलवेट की जगह पे ये जो है ये सीक्वेंस लगे हुए हैं, ऐसे थ्रेड से जो है एम्ब्रॉयडरी करके फिर सीक्वेंस लगा रखे। तो ये दो ड्रेसें हैं, ड्रेस मेरे पास उनकी ऑलरेडी चार और नई हैं, तो वो मैं, पर फिर भी मेरे को मन किया लेने का इसलिए मैंने ले आई। और एक ये लेके आई हूँ मैं उनका दोबारा से एक और नया बिस्तर, तो ये बिछाने के लिए पीछे तकिया और ये साइड के दो तकिए, तो ये इस तरीके से हैं। तो अब जो जन्माष्टमी के दिन है मैं फिर से इनका यूज़ करूँगी। और ये मुकुट, इस बार इस तरीके का मुकुट लेके आई हूँ, वैसे मेरे पास उनकी दो तीन तरीके की पगड़ियाँ हैं, बट उनमें मोर पंख नहीं था, वो सिर्फ कपड़े की होती है प्रॉपर से कपड़े की, और एक मल्टी कलर में एक दूसरी है, तो वो मोर पंख वाली नहीं थी, तो इस बार ये मोर पंख वाली लेके आई।
ये तगड़ी, ये माला और जो हाथों के कड़े बाकी चीज़ें वो मेरे पास हैं, तो वो दोबारा मैं नहीं लेके आई हूँ, और उनके हेयर वगैरह भी। तो ये क्यूट लग रहे हैं ना छोटे से। तो ये थी, ये है मेरे लड्डू गोपाल की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की। उसके अलावा जो बाकी वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हैं बाग प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, और इलायची, इलायची बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इलायची 2 या 2500 रुपये किलो होती थी, वो इलायची 5000 रुपये किलो हो गई है। तो एकदम से शौक सा लगा जब मैंने इलायची के लिए बोला कि इतना इलायची दे दो, और उसने बोला इतना है, तो फिर और बहुत ज़्यादा, मैंने कहा एकदम से दुगना रेट हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि आप आगे से जो है वो आ नहीं रहा है, सामान नहीं आ रहा है, या फिर बारिश की वजह से, पता नहीं क्या रीज़न है जिस वजह से इलायची इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब डबल रेट हो जाना बहुत ज़्यादा लगा मुझे इलायची का, क्योंकि इलायची का मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इतना ज़्यादा महंगा हो जाना, फिर सोचना पड़ता है, हिसाब से चलना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली है, ये तो नहीं है कि 5000 रुपये किलो वाली चीज़ को धड़ाधड़ के, मतलब क्या, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ खर्च करते जाएं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सोच समझ के इलायची का यूज़ मुझे करना पड़ेगा। और अब जो है थोड़ा टी टाइम है, चाय बनाऊंगी, हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ, अगर वो चाय पियेंगे तो उनके लिए बनाती हूँ, नहीं तो फिर खुद ही चाय पी के निपटा के फिर चलते हैं थोड़ी देर। बाय। चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, और मैंने इनको कॉल किया तो ये भी आ गए हैं चाय पीने के लिए, 5 मिनट का टाइम निकाल के। और मैंने थोड़ा सा स्पेक्स लगा लिया, आईज़ में पेन आजकल बहुत रहता है, पता नहीं किस क्यों परेशान हूँ मैं तो आईज़ से अपनी, तो इस वजह से स्पेक्स लगा लिया है। और आज ये देखिए हमारे घर में कितनी भी चाय बनाओ सारी चाय, मतलब इन्होंने बस मेरा साथ देने के लिए चाय पीनी होती है, और बाकी सारी कप में वापस लौटानी होती है मेरे, और स्माइल करके दिखा रहे हैं मुझे कैसी बनी है, बेकार हो रही है, कितनी बेकार, 3 किलो बेकार। तो आज मैं जो नाश्ते में लेके आई हूँ बिस्किट और ये कुरकुरे, ये लेके आई हूँ चाय के साथ खाने के लिए। तो चलो जब तक हम करते हैं अपनी चाय का एंजॉय, चाय पीते हैं, फिर मेरा लाइफ का टाइम हो जाएगा, वैसे भी 6 बज गए हैं। बहुत बेकार काम लगता है मुझे लाइफ जो ना। ओके मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो अब जो टाइम हो गया वो 9:30 का हो गया है, डिनर मैंने बना लिया। डिनर में मैंने बनाए हैं आज रोटी और ये आलू सोयाबीन की सब्जी और दही। एज यूजल दही हमारे खाने में डेली रहती है, और दही तो ये है। तो अब हम कर लेते हैं डिनर, और आज का ब्लॉग जो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई मतलब कोई कमी आती है मेरे ब्लॉग में या मेरी ब्लॉगिंग में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। दैट्स इट, गुड बाय।